असलकुम एवरी वन कैसे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और आज मैं एक न्यू रेसिपी ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ मैं बना रही हूँ पराठा कबाब उसके लिए मैंने सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिया है उसको मैंने ग्राइंडर में ऐड किया है इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है ब्लैक पेपर डाली है रेड चिली फ्लेक्स डाली है एक ब्रेड तोड़ के डाली है और गार्लिक जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है और बस इस तरीके से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और हाफ ऑफ़ करके मैंने चिकन को जो है वो ग्राइंड कर लिया है और ये अच्छे से ये देखिए कितना स्मूथ जो है वो ग्राइंड हो गया है उसके बाद बस हम इसको फ्रिज में रख देंगे और इसके साथ ही हम पराठे के लिए आटा गून के रख लेंगे और मैंने इसके लिए मैदा ले लिया है मैं पांच पराठे बनाने वाली हूँ तो उसके हिसाब से मैंने मैदा ले लिया है इसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा नमक ऐड किया है और बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आटे में अच्छे से बटर और ऑयल जो है वो मिक्स हो जाए और पराठे जो हैं वो हमारे सॉफ्ट बने और बस इसको सादे पानी से हम गूँध कर रख देंगे और इसको मैं बाहर ही रखूँगी क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो आटा बाहर ही सेट हो जाएगा उसके बाद मैंने ये ग्रीन चटनी निकाल ली थी फ्रिज से ये नॉर्मल जो घरों में हरा धनिया पुदीने की चटनी बनती है ये वो है इसको मैंने दही में मिक्स कर लिया है और एक सॉस बना ली है मैंने साथ जिसमें मैंने मायोनीज़ डाला है कैचअप है थोड़ा सा सोया सॉस चिली सॉस और ब्लैक पेपर और गार्लिक क्रश करके इसमें मैंने ऐड किया है सैलड के तौर पर मैंने सिर्फ प्याज कट के लिया है जो हम गोल गोल लच्छेदार प्याज काटते हैं वो और ये ऑलिव और जेलेबिनो ये बिल्कुल ऑप्शनल है ये हमें पसंद है इसलिए हम इसमें ऐड रहे हैं सॉस में इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है और बस ये दो सॉस मैं पराठे में, में लगाऊंगी एक दही का रायता और एक यमायूनी केचप वाला सॉस उसके बाद मैं फ्रिज से कबाब का मटेरियल निकाल के बैठ गई हूँ और इसके लिए मैंने एक फॉक ले लिया है जिसकी बैक साइड मुझे ठीक लग रही थी और मैं उतनी शेप के जो है उतनी लंबाई में जो है वो सी कबाब बना लूँगी हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे और उसके बाद बस इसको शेप दे देंगे और शेप देने के बाद भी इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे उसके बाद एक फ़्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि ये नॉन फ्राई पैन है तो बहुत ज़्यादा कबाब को डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है हम बस इसको शैलो फ्राई करेंगे और बोथ साइड से इसको मैं छः छः सात सात मिनट के लिए जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी क्योंकि चिकन कच्चा है और उसके बाद जैसे ही ये कुक हो जाएगा हम बोथ साइड से कलर देकर और फिर लास्ट में इसमें कोयले का स्मोक दे देंगे ताकि सी कबाब का बहुत अच्छा साइका आ जाए साथ ही हम आटे के पेड़े भी बना लेंगे और इसको मैंने बीच से कट किया है और उसके बाद बस इस तरीके से रोल कर रही हूँ ताकि ये जो नॉर्मली परतों वाला पराठा बनता है ये वैसे बन जाए और इसके अंदर मैंने ऑयल नहीं लगाया है क्योंकि ऑयल हमने ऑलरेडी घूमते हुए डाला था बस उसके बाद मैंने एक पराठा बना लिया है उसके ऊपर मैंने सलाद का पत्ता रखा है फिर कबाब है रायता है प्याज़ है सॉस डाल दी है से क्या डाल दी है और ये देखें ये माशाल्लाह कितने अच्छे हमारा पराठा कबाब जो है वो रेडी हो गया है इसी तरीके से मैंने ये दो और बना लिए हैं एक मेरे लिए है एक मेरी लॉ के लिए है और बस हम अपना डिनर इंजॉय करेंगे आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को प्रेस कर दें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह